नमस्कार साथियों, जय भीम। अंबेडकर नामा की अगली श्रृंखला में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि जयंती के मायने, कि जन्मदिन को मनाने के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर क्या सोचते थे और उन्होंने अपने अनुयायियों को क्या कहा था, इस पे आज हम अपनी चर्चा केंद्रित रखेंगे। मुंबई में 26 अप्रैल 1942 को डॉक्टर अंबेडकर का 50वीं जयंती जन्मदिवस मनाने के लिए, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए, मुंबई के कामगार मैदान में एक बड़ी सभा रखी गई थी जिसमें तकरीबन 10,000 लोग शामिल हुए थे। उस समय अंबेडकर अपने विस्फोटक शोध, महत्वपूर्ण शोध कि हिंदुओं ने हमारे लिए क्या किया, इस पे काम कर रहे थे, इसलिए वो काफी व्यस्त थे। लेकिन इस व्यस्तता से समय निकालकर वो इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यहाँ पे लोगों ने 508 रुपये उन्हें चंदा दिया, एक थैला दिया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम के एक सदस्य MV दोंडे साहब ने की। याद रखिएगा, अंबेडकर वहां पे कोई माला नहीं पहन रहे थे, जय जयकार नहीं करवा रहे थे, कुछ इस तरह का आडंबर नहीं। और जो बात उन्होंने कही, एक लाइन में उन्होंने कही कि मैं अपना जन्म दिवस नहीं मनाना चाहता। ये बात है, इसकी व्याख्या बाद में करूंगा कि उन्होंने क्या कहा आखिर। बहरहाल ये समय सेकेंड वर्ल्ड वार का है, द्वितीय विश्व युद्ध का है और पूरे दुनिया में हंगामा है और वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन। भारत में भी आंदोलन, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन तेज चल रहा था। तो इस कार्यक्रम में उन्होंने जो बातें रखी वो बहुत दिलचस्प है, बेहद दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे साथ धोखा किया है, ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे साथ धोखा किया है। क्रिप्स मिशन उस समय आया था, जिसपे चर्चा हम विस्तार से, जब क्रिप्स मिशन की बात करेंगे उस पर विस्तार से रखेंगे। उन्होंने कहा कि क्रिस्प जो प्रपोजल है उसमें उसका पर्पस ये था कि विश्व युद्ध के दौरान जो कठिनाई है ब्रिटेन को, तो कठिनाई से निकलने के लिए वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का साथ ले। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस और लीग दोनों की मांग मानकर एक तरह से इंश्योर किया है, ये आश्वस्त किया है कि कोई मांग दोनों की न मानी जाए। और इसमें कहते हैं कि डिप्रेस क्लास के लोग इस पूरे संकट से वो बच गए, क्योंकि कांग्रेस और जो लीग की मांग थी दोनों विरोधाभासी थी। तो कहते हैं कि दोनों का मांग उन्होंने मान लिया, इसका मतलब कि किसी को कुछ नहीं देना है। ये 1942 में कह रहे हैं। कहते हैं कि डिप्रेस क्लास के लोग इस त्रासदी से बच गए, लेकिन कभी भी ये संकट की पुनरावृत्ति हो सकती है, वो वापस आ सकता है, इसलिए अगली बार एक्शन के लिए तैयार रहना है, एकदम रेडी फॉर एक्शन कि क्या आंदोलन करेंगे। कहते हैं पहली बार मैं उनको देखता हूं कि वो कहते हैं कि एक्शन किस तरह का होगा ये मैं नहीं जानता, संवैधानिक होगा, असंवैधानिक होगा, शांतिपूर्ण होगा, हिंसक होगा, ये मैंने, ये एक तरह से जो इगरनेस है, जो सत्ता और अपने लोगों को बचाने का जो कौतूहल है जो अंदर से उनको, ये यहां पे निकल रहा है कि किस तरह का होगा। आमतौर से अंबेडकर संवैधानिक तरीकों में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और आक्रामक भाषा इस तरह का कहते नहीं, लेकिन इस भाषण में वो एकदम दहाड़ते हैं, चुनौती देते हैं और क्रांतिकारी आह्वान करते हैं अपने लोगों से। लेकिन कहते हैं आगे कि हमें अपने विकल्पों की तलाश खुली रखनी है कि फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, लेकिन आपका स्थान उसके अंदर नहीं होगा, तो क्या करेंगे अपने वैधानिक हक को प्राप्त करने के लिए, ये आपको तय करना है, इसलिए आंदोलन के लिए तैयार रहिए। वो उनका जो आप देखेंगे पूरा, जब गोल में सम्मेलन से और साइमन कमीशन के समय से ही कांग्रेस के साथ एक टसल है, एक लड़ाई है, संघर्ष 20 वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया और संघर्ष को जारी रखा। लेकिन यहां पे वो एक प्रस्ताव देते हैं कांग्रेस को, वो कहते हैं कि यदि आप स्वराज के लिए लड़ रहे हैं तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, मैं आपका साथ दूंगा और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपसे बेहतर लड़ूंगा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, लेकिन एक शर्त रखना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि जब आपका स्वराज आएगा तो उसमें हमारा शेयर क्या होगा, हमारा स्थान क्या होगा,
यदि यह आप नहीं बतलाना चाहते हैं और पीठ पीछे चुपके से ब्रिटिश हुकूमत के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं तो गो टू हेल, नरक में जाओ, ये कहते हैं अंबेडकर उस समय। क्योंकि अंबेडकर लड़ते किससे उस समय, जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस ही थी और वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी जिसके साथ ब्रिटिश हुकूमत बात करती थी, मुस्लिम लीग था और कांग्रेस था। तो वो चुनौती एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत को देते हैं। कार्यक्रम में तकरीबन 10,000 लोग थे और उन्होंने जिस तरह से कम्युनिकेट किया उनके साथ, जैसे बात किया, जैसे लगता है कि बाप अपने बच्चों से बात कर रहा है। कुछ प्राचीन कहानियां उनको सुनाई, अपने 23 साल का अनुभव साझा किया, जो तालाब आंदोलन है उसके उसके अनुभव साझे किए, जो मंदिर का आंदोलन है उसका अनुभव साझा किया, और जो पहली आम सभा उन्होंने दी थी कोल्हापुर में उसकी चर्चा उन्होंने की। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे डिप्रेस क्लास के लोगों ने ही, अस्पृश्यों ने ही उनका विरोध किया था। वो कहते हैं कि कुछ लोग जो घृणित कार्य हैं, साफ सफाई करने के जो घृणित कार्य हैं, उसको अपना परंपरागत काम मानते थे और कहते थे कि उत्पीड़न, जैसे ऐसा लग रहा हो जैसे उत्पीड़न ही उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसके विरोध, इसका विरोध करने पे अंबेडकर साहब का ही विरोध अस्पृश्यों ने किया, ये बड़ा दिलचस्प है। लेकिन आगे वो कहते हैं कि अब आप इस तरह के कार्य से मुक्त हैं, अब आपकी ये मुक्ति हो चुकी है, अब आपको तय करना है कि आप आगे क्या करेंगे। हिंदू समाज के चरित्र पर इस भाषण में वो फिर अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि जब हमने अपने पब्लिक करियर की शुरुआत की तो हम यह मानते थे, लंबे अरसे तक ये मानते रहे कि अच्छा हो या बुरा, हम हिंदू समाज के ही अंग हैं। 1942 याद रखिएगा, उस समय ये बात कह रहे हैं कि अच्छा हो या बुरा, हम हिंदू समाज के ही अंग हैं। हिंदू समाज की बुराइयों को खत्म करके समानता के सिद्धांत के आधार पर हम डिप्रेस क्लास के लोगों को उसमें शामिल कर देंगे। इसी उद्देश्य से हमने महार, चौदार, तालाब आंदोलन चलाया। इसी उद्देश्य से कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया। इसी उद्देश्य से मनुस्मृति का दहन किया और इसी उद्देश्य से आम जनऊ संस्कार करवाया, मास स्केल पे अस्पृश्यों का जनऊ संस्कार करवाया। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि अनुभव ने मुझे बेहतर शिक्षा दी। आज मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि डिप्रेस क्लासेस के लिए हिंदुओं में समानता की कोई अवधारणा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म असमानता की बुनियाद पर टिका हुआ है। अब हम किसी भी हाल में हिंदू समाज का अंग नहीं रह सकते। ये पब्लिक अनाउंसमेंट है, आम जनता के बीच खुले मन से ये घोषणा है कि किसी भी हाल में हम हिंदू समाज के अंग नहीं रह सकते हैं। अब सवाल था कि क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, अगर हम ये नहीं है वो नहीं है फिर करें क्या। तो इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि हम उचित समय पर इसका निर्णय करेंगे। अभी मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में हम हिंदू समाज का हिस्सा नहीं रह सकते। हम इस देश में सरकार में भागीदार बनना चाहते हैं, हम राजनीतिक शक्तियों का बंटवारा चाहते हैं, हमारे राजनीतिक अधिकार हिंदुओं के अधिकार से स्पष्ट रूप से अलग, पृथक माने जाने चाहिए। यदि हिंदू हमारे इन अधिकारों को मानने के लिए तैयार हैं, तब इस आंदोलन में, देश की मुक्ति के आंदोलन में, हम साझा संघर्ष में साथ देने के लिए तैयार है। यहां नोट कीजिए, हमारे कई साथी सोशल मीडिया पर एक ही दिन में पूरा समाज को केमिस्ट्री के लैब की तरह बदलना चाहते हैं। अगर डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे सवालों पे उन्होंने बात नहीं की है, उसको छोड़ ही दिया है, क्योंकि आपको फोकस्ड रहना होता है, एजेंडा पे फोकस्ड रहना होता है। और कहते हैं जैसे पानी के अंदर जब लोहा को काटना होता है तो वेल्डिंग मशीन उसमें नहीं जाती है, तो इसलिए पानी की धार से काटा जाता है। तो अंबेडकर वॉज वेरी क्लियर, बहुत क्लियर था कि अभी 50 तरह के मुद्दों में हम नहीं भटकेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे बात करना है, हमें राजनीतिक अधिकार चाहिए, हमको राजनीतिक शक्तियों का बंटवारा चाहिए, डिप्रेस क्लास के हितों की रक्षा करनी है, ये बात थी। जो साथी सोशल मीडिया में आजकल एक सर्टिफिकेट बांटू संप्रदाय भी आ गया है, हर बात पे किसी को ये कह देना कि आप छदम अंबेडकरवादी हैं, आप अंबेडकरवादी नहीं है, पता नहीं वैसे साथी अंबेडकर को कितना पढ़ते और समझते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से ये मैं संदेश भी देना चाहता हूं कि अंबेडकर को पढ़े नहीं,
पूजे नहीं अंबेडकर को, आप अंबेडकर को पूजे नहीं, पढ़ें, उनको समझें, उनकी रणनीति को समझें। तो इसलिए यहां पढ़ा जाना जरूर, फोकस, एक समय में एक ही काम करना चाहिए और पूरा ध्यान केंद्रित करके उसी पे रखना चाहिए। आगे अपने अनुयायियों से अंबेडकर ने महत्वपूर्ण बातें कही। वो कहते हैं वो नायक पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और न ही अपने अनुयायियों से ऐसी अपेक्षा रखते थे। उनका मानना था कि इस देश में नायक पूजा की बुराइयों तथा इससे उत्पन्न होने वाले संकट से वो बहुत परिचित थे, बहुत अवेयर थे। तो उन्होंने बहुत इत्मीनान से और जोर देकर कहा कि विगत 15 वर्षों से आप मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, मैं इसमें कभी शामिल नहीं हुआ। नोट कीजिएगा, आजकल हमारे बहुत सारे नेता लोग वो चाहते हैं कि बर्थडे में है उनका गुणगान किया जाए, महिमा मंडित किया जाए। अंबेडकर 1942 में अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में ये घोषणा कर रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों से आप हमारा जन्मदिन मना रहे हैं लेकिन मैं कभी शामिल नहीं हुआ, मैंने सदैव इसका विरोध किया है, मैं इसका विरोधी रहा हूं। अब आप मेरा जन्मदिन का गोल्डन जुबली मना रहे हैं, अब बहुत हो गया, टू मच, इट इज इनफ। इसके बाद कोई भी समारोह, कोई भी उत्सव हमारे जन्मदिन के अवसर पर न किया जाए। उसका कारण ये बताते हैं, ये नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका कारण ये बताते हैं कि नेताओं के प्रति अति आग्रह, जरूरत से ज्यादा इज्जत दे रहे हैं आप, उनके लोट गए हैं चरणों में, कि अति आग्रह जनता के आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। ये पॉइंट है, यहां पे मार्केबल पॉइंट है। फिर वो इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, वो अवतारवाद के सिद्धांत, हिंदू धर्म के अवतारवाद के सिद्धांत से इसको जोड़ते हैं। कहते हैं कि हिंदू समाज का निरंतर पतन क्यों हुआ, क्योंकि अवतारवाद के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। इसका मतलब है कोई संकट हुआ, अभी जैसे कोरोना का क्राइसिस है तो बहुत लोग गोबर में ढूंढ रहे हैं दवाई, गोमूत्र में ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग यज्ञ कर रहे हैं, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग ये मान के बैठे हैं कि कोई अवतार आएगा तो उनका संकट दूर करेगा। तो वो कहते हैं कि अवतारवाद ने इस शिथिल कर दिया मनुष्य को, नहीं नहीं कोई संकट है, क्राइसिस है तो कोई देवता आएंगे और हमारा जो है उद्धार करेंगे। बोले इस सिद्धांत को नहीं मानना है आपको, मैं इस सिद्धांत को मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसको मानना नहीं है क्योंकि आप इससे अपंग हो जाएंगे। और कहते हैं कि आपकी मुक्ति आपके प्रयासों के द्वारा ही होगी, आपके हाथों में है। ये सब इंपॉर्टेंट बात है समझने की है। अपने व्याख्यान का जो समापन कर रहे हैं, जो निष्कर्ष दे रहे हैं, उसमें ब्रिटिश हुकूमत के साथ साथ हिंदुओं को भी उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत को यह याद रखना चाहिए कि सत्ता के हस्तांतरण के समय, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर, डिप्रेस क्लासेस के लोगों को पर्याप्त गारंटी मिले। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो डिप्रेस क्लासेस के लोग हर संभव तरीके से ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करेंगे, उनसे लड़ेंगे। यदि हिंदू क्लासेस अगर हमें ये गारंटी देते हैं कि हमें अधिकार मिलेगा तो हम उनके साथ मिलकर इस साझा संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। साथियों, कंक्लूड कर रहा हूं कि जन्मदिन है, अपने पूर्वजों को, महापुरुषों को जरूर याद कीजिए, लेकिन आजकल उनके राजनीतिक शत्रु जो हैं वो चाहते हैं कि आप भक्ति करें, भक्ति में लीन हो जाए, आप संविधान को गीता धर्म ग्रंथ मान लें, आप डॉक्टर अंबेडकर को भगवान मान लें, तो उनको पढ़े नहीं पूजें। तो ऐसे लोगों से बचना है। दूसरा जो जो सवाल उन्होंने छोड़ा है कि नेताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे आपका जो है आत्मसम्मान और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो खत्म हो जाता है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए साथियों। और जब भी, इसलिए मैं ये बात साझा कर रहा हूं काफी, कि कम से कम शब्दों में ये बात आपके बीच पहुंचे। इस अगर ये विमर्श अच्छा लग रहा हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप अपनी समीक्षा लिखें। और मैं कोई अगर ऐतिहासिक रूप से गलत कर रहा हूं, मैं रेफरेंस यहां बता रहा हूं कि जो मैं बात कह रहा हूं वो है वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज नंबर 234 से 37 तक लेकर ये व्याख्यान वहां पे आपको मिलेगा, कि ये आप वहां जाकर देख सकते हैं, पूरा व्याख्यान पढ़ सकते हैं, मैंने यहां पे सिर्फ निष्कर्ष निकाला है। तो
तो कहने का मतलब है साथियों कि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि बात ज्यादा से ज्यादा लोग तक पढ़ें। सब लोग मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ सकते हैं। अगर मैं अगर सक्षम हूं, मैं पढ़ सकता हूं, तो मुझे लगा कि पढ़कर और इसका सारांश बनाकर आपके बीच छोटे छोटे 15-20 मिनट के वीडियो में आपको साझा करूं। तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और समीक्षा लिखें। जो बात मैं कह रहा हूं वो अंतिम सत्य नहीं है। आप हिस्ट्री में हम लोग को ये ट्रेनिंग होती है, ये प्राइमरी सोर्स को जाकर चेक करना चाहिए, वो सेकेंडरी सोर्स पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए मैंने प्राइमरी सोर्स अंबेडकर साहब की ओरिजिनल राइटिंग का मैंने हवाला दिया है। यदि पसंद लगे तो जरूर शेयर करें, नंबर एक। नंबर दो, आप सोशल मीडिया में, आप जितने प्लेटफॉर्म्स, मैं 3 जगह पे उपलब्ध हूँ। फेसबुक पे हूँ, ट्विटर पे हूँ और इंस्टाग्राम पे हूँ। ट्विटर पे मेरा आईडी है रतनलाल72 और इंस्टाग्राम पे doctor.ratan.lal। शुक्रिया साथियों, जय भीम। फिर अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, थैंक यू, जय भीम। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।